परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के मुझे छोड़ के। ये इमोशनल गाना साल 1996 में आई फिल्म राजा हिंदुस्तानी का है, जिसमें हमें एक नशे में धुत बंजारन के रूप में एक्ट्रेस कल्पना अय्यर नाचती गाती दिखाई दी थी, जहां इन्होंने अपनी एक खास पहचान तो बनाई ही थी, साथ ही खूब दौलत शौहरत भी कमाई थी, क्योंकि इसी की वजह से गाना काफी फेमस हुआ था। लेकिन दोस्तों, क्या आप एक्ट्रेस कल्पना अय्यर की दौलत शोहरत के बारे में तो सब कुछ अच्छे से जानते हो, पर क्या आप इनके करियर छोड़ने की कहानी जानते हो? कितना बड़ा फेम और नेम कमाने के बाद ये अचानक क्यों बॉलीवुड की दुनिया से दूर हो गई और आज तक नहीं लौटी, जिसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। पर उससे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। परदेसी गाने को सुपरहिट बनाने वाली एक्ट्रेस कल्पना अय्यर का जन्म 26 जुलाई 1956 को मुंबई के महाराष्ट्र में हुआ था, जिसके चलते इन्होंने अपनी सारी पढ़ाई यहीं से की। बात करें इनके अभिनय करियर की, तो इन्होंने बतौर मॉडल अपने करियर की शुरुआत की थी, जिसके चलते इन्होंने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में भी ट्राई किया था, जिसमें ये रनर अप रही, जिसके बाद इन्होंने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत 1981 की फिल्म हमसे बढ़कर कौन से की थी, जिसके बाद ही हमें सत्ते पे सत्ता फिल्म नजर आई थी, जिसमें इन्हें काफी पसंद किया गया था। और इस फिल्म के बाद तो इन्हें कई फिल्में ऑफर हुई, जिनमें लाडला और अंजाम जैसी कई सारी फिल्में शुमार है। लेकिन इनकी किस्मत का तारा तो राजा हिंदुस्तानी चमकना था, क्योंकि इस फिल्म में इन्होंने खुद को इतनी बखूबी पेश किया कि घर घर लोग इन्हें जानने लगे। पर आपको बता दें कि इन सभी फिल्मों में इनकी सबसे खासियत इनकी नेगेटिविटी ही होती थी, जिनमें लोग इन्हें खूब पसंद करते थे। पर अफसोस, ये अपने करियर में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि फिल्मों में इन्हें लेकर कोई डिमांड नहीं होती थी, जिसके चलते इन्होंने ना चाहते हुए भी अपनी फिल्मी सफर पहिया बीच में ही रोक दिया। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि अपने करियर के दिनों में 10 से 12 फिल्मों में काम कर इन्होंने 30 करोड़ रुपए की धन संपत्ति आराम से कमा ली, जिससे इन्होंने मुंबई में जुहू इलाके में अपना शानदार घर खरीदा, जिसमें सभी तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है, जो कि फुल फर्निश्ड है और काफी सारी नई चीजों से डेकोरेटेड है और बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है। इसके अलावा आज ये लैम्बोर्गिनी, बीएमडब्ल्यू और जैगवार जैसी हाई फाई लग्जरियस गाड़ियों की मालकिन है। इतना ही नहीं, आज ये अपनी फैंसी साड़ियों से लेकर सैंडल्स, ज्वेलरीज तक कम से कम लाखों रुपए खर्च कर देती है। इसके अलावा अपने घूमने फिरने शॉपिंग करने पर ये लाखों रुपए पानी की तरह बहा देती है। पर अगर बात करें इनके पर्सनल लाइफ की, तो बता दें आज तक इन्होंने शादी नहीं की, जो आज भी सिंगल रहकर फिल्म इंडस्ट्री से दूर दुबई में अपना रेस्टोरेंट चला रही है। वेल दोस्तों, क्या आप एक्ट्रेस कल्पना अय्यर की फिल्मों को आज भी देखना पसंद करते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।